हेलो एवरीवन, वेलकम इन टीम दीवाने आईएएस एंड गेट। माईसेल्फ कुलदीप सिंह राठौर, गेट 2020 ऑल इंडिया रैंक 29। इन गेट 2019 आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 478। करंटली आई एम परसिंग माई एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड आल्सो वर्किंग एज ऑनलाइन फैकल्टी ऑन वेरियस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स। सो गाइज, इन माई लास्ट वीडियो आई एम डिस्कसिंग अबाउट कि अगर आपके पास नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस आती है तो आप उसको इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके किस तरीके से आप उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्ट करके देन आप उसको MdX प्लस NdY वाला जो हमने जनरल सॉल्यूशंस देखा था उससे हम सोल्व करते थे। तो इस वीडियो में मैं आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बताने वाला हूँ कि जब आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो तो आप उसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए जो इक्वेशंस है वो लीनियर इन वाई है, यानी वाई के लिए वो लीनियर इक्वेशंस है, देन आपको जो इक्वेशंस गिवन होगी वो dy/dx प्लस py = q की फॉर्म में गिवन होगी। ओके, dy/dx प्लस py = q की फॉर्म में गिवन होगी, जहाँ पे p एंड q जो है वो फंक्शंस होंगे x के। ओके, जहाँ पे p एंड q क्या होंगे, फंक्शंस होंगे x के। तो यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं तो वो आपका होगा if = e की पावर इंटीग्रेशंस pdx। ओके, तो उसका जनरल सॉल्यूशंस अगर आप लिखते हैं तो वो आपका आएगा y into if = q.ifdx + cosec। ओके, तो ये आगे हम न्यूमेरिकल देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, डेफिनेटली आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है जो जब तक अगर आप एग्जांपल सॉल्व नहीं करते हैं या फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तब तक आपको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। ओके, देन अगर हम देखते हैं लीनियर्स इन एक्स, अगर मान लीजिए जो इक्वेशंस है वो लीनियर हो एक्स के अंदर, तो वहाँ पे आपको जो इक्वेशंस होगी वो किस फॉर्म में गिवन होगी, dx/dy + px = q। ओके, dx/dy + px = q, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ y, जहाँ पे p एंड q क्या है, आपके फंक्शंस ऑफ y है। देन अगर हम इंटीग्रेशन फैक्टर की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन फैक्टर जो आएगा वो आपका आएगा e की पावर integrations p dy। ओके, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि जब लीनियर इन x होगा तो आपका इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा e की पावर integrations p dy, एंड अगर आप बात करते हैं लीनियर इन y देन जो इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा वो e integrations p dx। ओके, उसकी पावर e की पावर integrations p dx, एंड जो इक्वेशन है उसका फॉर्म आपको ध्यान रखना है। अगर हम जनरल सॉल्यूशंस की बात करते हैं लीनियर इन एक्स के केस में, तो वहाँ पे आपका x into integrations factor = q.ifdy + c। ओके, तो यहाँ पे भी आपको इसका ध्यान रखना है कि जिस तरीके से जनरल सॉल्यूशंस आप y का क्रिएट करते थे तो आप y into if लिखते थे, जनरल सॉल्यूशन x का क्रिएट करेंगे तो x into if लिखेंगे, एंड जब आप y का लिखते हैं तो dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशंस करते हैं q.if का, एंड अगर आप y के लिए x के लिए लिखते हैं लीनियर इन x देन y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशंस करते हैं q.if का। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका मेजर कॉन्सेप्ट हो गए। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं, डेफिनेटली एग्जाम्पल से आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है आपको e की पावर integrations ax dx = xa। ओके, ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो e की पावर integrations ax dx जो है इसमें a जो है वो तो कॉन्स्टेंट है, उसको आप बाहर लेके आ सकते हैं, देन जो dx है dx/x का इंटीग्रेशन उसको जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको log x मिलेगा, यानी कि ये जो सॉल्यूशंस हो जाएगा इंटीग्रेशन ax dx वो आपका हो जाएगा e की पावर a log x। एंड जो xa है होता है हमारा xa है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर log x ए। ओके, आप जानते हैं कि e की पावर लॉग होगा वो कैंसिल हो जाएगा और जो x है वो आपका बाहर आ जाएगा। तो इधर से आप समझ सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर टर्म्स को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको क्या सीखने को मिलेगा कि जो e की पावर log x है, e की पावर log x अगर आप देखेंगे तो दोनों ही आपके इक्वेट हो रहे हैं। ओके, e की पावर log x आपके दोनों ही इक्वेट हो रहे हैं, यानी कि इस एग्जांपल आपको नॉर्मल एग्जांपल था जिसमें हमने इंटीग्रेशन फैक्टर का यूज नहीं किया है, बस हमने एक जनरल एग्जाम्पल को समझने की कोशिश की है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने जनरल जो लीनियर इक्वेशन है उसको यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व किया है, तो काफ़ी
अच्छे से आपको समझने का ट्राई करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस गिवन था एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल टू टू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ओके, तो ये क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो ये आपका डीवाई बाई डी एक्स के लिए बना हुआ है, तो डीवाई बाई डी एक्स प्लस पी आपका वाई इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए क्यू आपका इस फॉर्म में इक्वेशंस होनी चाहिए। तो जो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर आ रहा है इसको आप डिवाइड कर देंगे पूरी की पूरी इक्वेशंस में। तो यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि डीवाई बाई डी एक्स एंड यहाँ पे टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वहाँ से एक्स बचेगा यानी टू बाई एक्स वाई आ जाएगा इज इक्वल टू आपका टू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स तो पहले से ही था एंड एक्स स्क्वायर एक और आएगा तो एक्स क्यूब बन जाएगा जो कि लीनियर इन वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप देखेंगे लीनियर इन वाई मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया था तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू बन रहा था, उसी फॉर्म में ये इक्वेशंस भी आपकी बन रही है जहाँ पे पी की जो वैल्यू है वो टू बाई एक्स आपकी आई है एंड क्यू की जो वैल्यू है वो टू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब आई है। पी की वैल्यू आपकी आई है टू बाई एक्स एंड क्यू की वैल्यू आई है आपके पास टू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अगर अब आप जनरल सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो जनरल सॉल्यूशंस आपका होगा y इंटू आई एफ। ओके, y इंटू आई एफ, तो सबसे पहले आपको आई एफ निकालना होगा, तो इंटीग्रेशन फैक्टर आपका क्या हो जाएगा e की पावर p dx। ओके, e की पावर आपका क्या होगा पी डी एक्स। ओके, जब वाई के लिए इक्वेशंस होगी तो ई की पावर पी डी एक्स, तो यहाँ से आप ई एंड पी की वैल्यू रखेंगे टू बाई एक्स डी एक्स, देन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, आप इस पर्टिकुलर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू मिलेगी आपको टू बाई एक्स आ रहा है आपका, देखिए ये टू बाई एक्स है, टू बाई एक्स को अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा टू लॉग एक्स। ओके, टू लॉग एक्स आपको मिलने वाला है, देन इस टू को अगर पावर में लेके चले जाएंगे तो ये लॉग ई की पावर लॉग एक्स का स्क्वायर बन जाएगा एंड ई लॉग एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर आपका इंटीग्रेशन फैक्टर आ रहा है। काफ़ी इजी इंटीग्रेशन से आप कर लेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू आपके पास आएगी एक्स स्क्वायर, तो आप लिखेंगे वाई इंटू, जब लीनियर इक्वेशंस इन वाई है तो आप क्या लिखते हैं वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी इंटीग्रेशन फैक्टर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, देन आपका किसके इक्वल होगा वो क्यूसेंस सॉरी क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशंस, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशंस रखना है। देन अगर आपने क्यू की जो वैल्यू है वो रख दी टू लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब, तो यहाँ पे आपको क्या रखना है टू लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब, देन इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब का, तो आपका कैंसिल होकर केवल एक्स बच जाएगा, जो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक्स दिख रहा है क्योंकि हमने इंटीग्रेशन फैक्टर और ये एक्स क्यूब है इसको कैंसिल किया, तो वन बाई एक्स बचेगा डी एक्स प्लस सी। अब अगर आप देखते हैं तो जो लॉग एक्स है इसको आप क्या मान सकते हैं टी मान सकते हैं एंड जो वन बाई एक्स डी एक्स इसको डी टी मान सकते हैं। ओके, तो हमने इसका इंटीग्रेशन करने की कोशिश करें, देखिए लॉग एक्स को हमने टी मान लिया तो वन बाई एक्स डी एक्स हमारा डी टी आ जाएगा, हमने रिप्लेस कर दिया वाई एक्स देन इंटीग्रेशन किया, ये पर्टिकुलर टर्म्स आपकी टी डी टी के फॉर्म में रिप्लेस हो जाएगी, तो टू आपका ऑलरेडी है तो टू एंड टी डी टी का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर बाई टू होगा एंड टू आपका एक पहले से ऑलरेडी है जो ये वहाँ पे बाहर आप देख पा रहे होंगे, टू से टू कैंसिल हो जाएगा यानी वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी आ जाएगा एंड टू से टू कैंसिल होने के बाद आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस सी, देन टी की वैल्यू आप लॉग एक्स रख देंगे तो आपको एक्स स्क्वायर वाई लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस सी आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जनरल सॉल्यूशंस आ चुका है पर्टिकुलरली उस इक्वेशंस का, डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ओके, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्म बनानी आनी चाहिए, इलेवन ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स में भी आपने ये पोर्शंस किए होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जिनमें लीनियर इन एक्स के लिए किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको इक्वेशंस गिवन थी x प्लस टू वाई का क्यूब ब्रैकेट क्लोज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से नहीं कर सकते, कभी भी आपको क्वेश्चंस में नहीं दिया होगा कि अब कौन सा मेथड आपको यूज करना है यानी लीनियर मेथड यूज करना है वेरिएबल सेपरेबल, आपको बस पहचानना पड़ेगा इक्वेशंस को देख के हमेशा। तो यहाँ पे आपको x प्लस टू वाई का क्यूब ब्रैकेट क्लोज डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई है, तो आपने x प्लस टू वाई का क्यूब को सेपरेट कर लिया एंड y dx बाई डी वाई को सेपरेट कर लिया है। ओके, देन अगर आपने इसको फॉर्म चेंज किया तो dx बाई डी वाई जो है वो आपका आ जाएगा इज इक्वल टू x बाई वाई प्लस टू वाई का स्क्वायर, आप y को क्या करें डिवाइड कर दिए पूरी की पूरी इक्वेशंस में। तो यहाँ से आप को ध्यान रखना है कि जब आप x के लिए लीनियर लिखेंगे तो dx एक्स बाई डी वाई आपकी जो इक्वेशंस आएगी वो कुछ इस फॉर्म में आएगी dx एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स
पी एक्स इज इक्वल टू आपका क्यू आएगा। तो यहाँ पे एक्स आना चाहिए और पी की वैल्यू कुछ आनी चाहिए, तो आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में बननी चाहिए। तो हमने क्या किया है, इस पर्टिकुलर इक्वेशंस को कन्वर्ट कर लिया इस पर्टिकुलर फॉर्म में। तो हमने देखा कि ये लीनियर इन एक्स आ रही है एंड यहाँ पे जो पी की वैल्यू है वो आ रही है इज इक्वल टू माइनस वन बाई वाई, यानी पी की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास इज इक्वल टू माइनस वन बाई वाई। एंड क्यू की जो वैल्यू है, क्यू की वैल्यू आपके पास आ चुकी है टू वाई स्क्वायर। ओके, क्यू की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास टू वाई स्क्वायर। देन आपने इंटीग्रेशन फैक्टर कैलकुलेट किया, इंटीग्रेशन फैक्टर आपका हो जाएगा e की पावर p dy होगा, तो p की वैल्यू माइनस वन बाई वाई डी वाई रख दी, इंटीग्रेशंस किया, देन आपको पता चलेगा कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो माइनस log y आएगा आपके पास, माइनस log y आएगा एंड e की पावर माइनस log है, तो ये माइनस वन आपकी पावर y के ऊपर चली जाएगी, यानी e log y की पावर माइनस वन होगा, e एंड log कैंसिल हो जाएगा और y की पावर माइनस वन को आप क्या लिख सकते हैं वन बाई वाई। ओके, तो ये आप चेक कर सकते हैं। देन अगर आप जनरल सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो जनरल सॉल्यूशंस आपका आएगा एक्स डॉट इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू डॉट इंटीग्रेशन फैक्टर डी वाई प्लस सी। तो यहाँ पे आपने क्या किया है कि जो x है इंटीग्रेशन फैक्टर जो आपका आया था वन बाई वाई उसको रख दिया है, देन q की वैल्यू टू वाई स्क्वायर है, इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है वन बाई वाई से, देन आपने देखा कि y से जो है वो स्क्वायर टर्म्स कट चुकी है एंड आपका जो पर्टिकुलर यहाँ पे वैल्यू है वो वाई डी वाई आ चुकी है एंड वाई डी वाई का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई टू आएगा, देन जो टू यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई टू आएगा वो इस टू को कैंसिल कर देगा, इंटीग्रेशन करना आपको आसानी से आता होगा, देन आपके पास फाइनल सॉल्यूशंस बच जाएगा एक्स बाई वाई का, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी आपका आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसी तरीके से आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल को भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई पूछी है एंड आपको इक्वेशंस गिवन थी वाई प्लस टू वाई टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड वाई पाई बाई थ्री की वैल्यू गिवन है जीरो, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर लेंगे, वाई डैश को आप डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं एंड टू टेन एक्स आपका जाएगा क्योंकि वाई के लिए लीनियर इक्वेशन है, देन टू टेन एक्स को आप सेपरेट लिख के वाई साइन एक्स लिख सकते हैं, तो ये लीनियर इन वाई आ चुका है। यहाँ से आपने इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला क्योंकि जो पी की वैल्यू है वो टू टेन एक्स है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन टू टेन एक्स डी एक्स। तो आपने क्या किया है, जो टू टेन एक्स डी एक्स है उसमें टू को बाहर लेके टेन एक्स डी एक्स आपको सॉल्यूशंस पता है, इंटीग्रेशंस होता है लॉग सेक एक्स, इंटीग्रेशंस जो पर्टिकुलर टर्म्स होते हैं उनके आपको याद रखने हैं, एक पर्टिकुलर वाइट पेपर लेके आप सारे के सारे इंटीग्रेशंस लिख सकते हैं। ओके, तो टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशंस होता है लॉग सेक एक्स, हमने वो लिखा है, देन हमें जो टू है उसको सेक स्क्वायर सेक एक्स के ऊपर स्क्वायर कर सकते हैं और यहाँ से ये टू हट सकता है, लॉग में हम ऐसा कर सकते हैं, ई एन लॉग कैंसिल हो जाएगा यानी सेक स्क्वायर एक्स आपका इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाएगा। देन अगर हमने इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लिया तो हमारा जनरल सॉल्यूशंस होगा वाई डॉट इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू डॉट इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आपने क्या किया है कि जो इंटीग्रेशन फैक्टर है उसकी वैल्यू पुट कर दिए वाई डॉट सेक स्क्वायर टू एंड जो आपके पास क्यू की वैल्यू है वो साइन एक्स है एंड जो इंटीग्रेशन फैक्टर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी है। अब आपने क्या किया है, साइन एक्स है आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स जो होता है सेक एक्स को आप वन बाई कोस एक्स लिख सकते हैं, तो आपने इसको वन बाई कोस एक्स टू लिख दिया क्योंकि स्क्वायर है, तो साइन बाई एक जो कोस एक्स आएगा वो आपका कन्वर्ट होकर टेन एक्स में हो जाएगा और एक आपका सेक एक्स सिमिलरली बचा हुआ रह जाएगा। तो आपको पता है कि टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका सेक एक्स होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स जब आएगा तो आपको इंटीग्रेशन उसका सेक एक्स होता है एंड वाई सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी आ जाएगा, यानी कि आप इसको और सिंपल करना चाहते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स को आप टोटली जो लेफ्ट हैंड साइड है उससे राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कोस एक्स बन जाएगा सेक एक्स डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, सेक एक्स स्क्वायर पावर कट जाएगी तो वन बाई सेक एक्स बचेगा, यानी वन बाई सेक एक्स को आप कोस एक्स लिख सकते हैं और यहाँ पे सी के डिवाइड में आपका सेक स्क्वायर एक्स आएगा, तो आप इसको वन बाई सेक स्क्वायर एक्स को कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल पुट कर सकते हैं एंड ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद आपको पास वैल्यू गिवन है कि जब आप एक्स की वैल्यू पाई बाई थ्री पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू आपके पास जीरो आती है, यानी एक्स की वैल्यू पाई बाई थ्री पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आपको जीरो मिल रही है। इन दोनों वैल्यू को हम पर्टिकुलर इस इक्वेशंस में रख देंगे एंड सी की वैल्यू कैलकुलेट करने की ट्राई करेंगे, तो सी की वैल्यू हमारे पास माइनस टू आ गई। देन हमने क्या किया कि जो भी हमारे पास सी की वैल्यू आई है उसको हमने फाइनल जो हमारी इक्वेशंस है इस इक्वेशंस में पुट करके इक्वेशंस को नोट कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको फाइनल इक्वेशंस आ गई है। देन अगर आपसे पूछा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, जो हमारे पास सॉल्यूशंस आएगा कोस एक्स का अगर हम
इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन एक्स होगा, और अगर टू कोस स्क्वायर एक्स है उसका इंटीग्रेशन टू की पावर आगे आएगी तो कोस एक्स फोर कोस एक्स हो जाएगा, देन कोस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आपको पर्टिकुलरली इस तरीके से सोल्यूशन मिल जाएगा। देन अगर ये भी जानते हैं कि आप टू कोस एक्स साइन एक्स जो होता है उसको साइन टू एक्स लिख सकते हैं, यानी आप इसके जो फोर है इसको टू इंटू टू लिख के टू कोस एक्स टू साइन एक्स कोस एक्स को आप साइन टू एक्स कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ साइन टू एक्स कन्वर्ट कर लिया, टू आपका आ चुका है। देन अगर आपने इसको अगेन इंटीग्रेशन किया है वन टाइम, सॉरी हम इसको इसको क्या करेंगे जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, जीरो के इक्वल पुट करके हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास जीरो आ चुकी है एंड जो कोस एक्स है उसकी वैल्यू हमारे पास वन बाई फोर आ चुकी है, एक्स एंड कोस एक्स दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। देन हम क्या करते हैं इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का अगेन इंटीग्रेशन करते हैं, वाई डबल डैश चेक करते हैं, देन वाई डबल डैश की वैल्यू हम चेक करते हैं जो कि हमारी पॉजिटिव आती है, यानी वाई डबल डैश की वैल्यू हम निकालते हैं जो हमारे पास इक्वेशन आती है, उस इक्वेशन में हम ये जो हमारी सॉल्यूशंस आए हैं इनको जब पुट करते हैं तो हमारी वाई की वैल्यू पॉजिटिव आती है यानी थ्री आती है, तो मतलब मिनिमम एक्स होगा इस पर्टिकुलर कंडीशंस में। तो मिनिमम एक्स करने के लिए हम क्या करेंगे जो हमारे पास कोस एक्स की वैल्यू है उसको हम पुट करके देखेंगे कि कोस एक्स की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशंस में तो कितनी हमारे पास वैल्यू आती है, तो हमारे पास पता लग जाएगा कि हमारे पास मैक्सिमम कितनी वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपको ये पर्टिकुलर मैक्सिमम मिनिमम वाला पोर्शंस अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आपको एक बार क्या करना है कि मैंने कैलकुलस के अंदर मैक्सिमा मिनिमा कवर किया था, वहाँ पे मैंने इसको अच्छे से डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 एग्जाम्पल भी सोल्व किए थे, तो मैं वापस रिपीट करूँगा तो वीडियो लेक्चर्स काफ़ी बड़े हो जाएंगे। इस मैक्सिमा मिनिमा वाले टॉपिक्स को मैंने वहाँ पे कवर किया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप मैक्सिमा मिनिमा को कवर कर सकते हैं, वहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग जाएगी। ओके तो चलिए आपका ये लेक्चर्स होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज, एंड अगर आप मुझसे फेसबुक पेज पे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक पेज है लाइफ मेंटर कुलदीप सिंह राठौड़, एंड अगर आपको कोई भी प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9649945374। मैंने वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स बना रखे हैं प्रिपरेशन से, काफ़ी सारे स्टूडेंट वहाँ पर है तो आप भी वहाँ पर आके जुड़ सकते हैं और प्रिपरेशन गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे फोकस एंड डू वेल इन योर एग्जाम।